क्या प्री डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? तो आंसर है यस, प्री डायबिटीज 100% रिवर्स हो सकता है। और प्री डायबिटीज के रिवर्सल के लिए जो करना होता है वो है, एक तो आपके डाइट में परिवर्तन करना होगा, जो जिस तरीके का डाइट आप ले रहे हो जिसके कारण से प्री डायबिटीज डेवलप हुआ है, उस चीज को डिच करना होगा, उस चीज को छोड़ना होगा। तो प्री डायबिटीज होता किस किस कारण से है? आप अगर बहुत ज्यादा हाई कार्ब पे हैं तो प्री डायबिटीज हो सकता है। आपका अगर दिनचर्या बिल्कुल बहुत ही खराब चल रहा है तो प्री डायबिटीज हो सकता है। तो बेसिकली सबसे पहला चीज है जो आपको प्री डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करेगा वो है आपका संतुलित खाना, संतुलित आहार। जो आप खाओगे वो अगर आप प्रॉपर तरीके से अच्छा, अच्छे क्वालिटी का खाना खाओगे जिसमें शुगर कम और कार्बोहाइड्रेट का भी क्वांटिटी ओवरऑल कम, प्लस आपका प्रोटीन अच्छे क्वांटिटी में जाना चाहिए। प्रोटीन के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रोटीन का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है एक नॉर्मल पर्सन में वो होता है 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट। और ये अगर आप 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट अगर आप प्रोटीन लेते हो तो पॉसिबल है कि आपका प्रोटीन से एनर्जी बढ़िया से मिल गया, तो फिर आप कार्बोहाइड्रेट जो है ना अपने आप डिच करोगे। आपका खाना, खाना जो है वो आपका होना चाहिए कैसा? खाना आपका होना चाहिए बिल्कुल संतुलित, जिसमें कि आपका कार्बोहाइड्रेट कम करें, प्रोटीन को बढ़ाएं और फैट को मॉडरेट लें। फैट, मेरे तरफ से फैट का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैट आप आराम से ले सकते हो। फैट के कारण से कभी भी प्री डायबिटीज जो है ना वो डेवलप नहीं होता है, अनलेस एंटिल कि आप जो है फैट, घर वाला फैट ले रहे हो। अब अगर आप छोले भटूरे वाला फैट लोगे तो ऑब्वियस ही बात है कि फिर तो वहां गेम ही चेंज हो जाएगा ना। तो आपको जो फैट लेना है वो घर में ऑलिव, सरसों तेल, घी या जो भी आप फैट आप कंज्यूम करते हो, नट्स से या सीड से, ये सब फैट्स आपको जो है ना वो अच्छे क्वांटिटी में लेना है जिससे आप संतुष्ट भी रहो। इसके साथ खाने में थोड़ा आप चिया सीड्स और अलग अलग तरीके का जूस में थोड़ा आप चिया सीड्स और अलग अलग सीड्स होता है ना वो सीड्स ऐड करें, क्योंकि ये सीड्स कहीं ना कहीं जा करके आपके सिस्टम को इफेक्ट करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसमें हेल्दी फैट होता है जो कि आपको लंबे समय तक भूखे नहीं रहने देता है, लंबे समय तक आपका पेट को जो है ना भर के रखता है, तो अननेसेसरी की क्रेविंग नहीं होगी।